नमस्कार लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, मुझे काफ़ी कोल्ड है, फीवर है, तो इस वजह से मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसके लिए सो सॉरी। तो चलिए चलते हैं, आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की रीडिंग करेंगे, जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम उन की रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट में हैं, या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या किसी कारण से आपस में बातें नहीं हो रही हैं, सेपरेशन में हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो लिब्रा के पर्सन हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, या किसी भी कारण से आपस में बातें नहीं करते, वो लिब्रा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो जो लिब्रा के पर्सन हैं, वो उनकी करंट फीलिंग्स बता रही है कि वो महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा को चाहिए कि इस रिश्ते को बोझ ना माने। वो अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपने ऊपर अकेले ना उठाएं, इन जिम्मेवारियों को या तो दूसरे के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, या स्टेप बाय स्टेप, एक वन बाय वन करके इसको हैंडल करें। अगर वो सारी जिम्मेवारियों को एक साथ लेकर चलेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे अपने दुख और सुख को, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में आ सकते हैं। उनको बैक पेन भी हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो उनको चाहिए कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेवारियों को एक दूसरे के साथ शेयर करें, और इसको वो ड्रॉप ना करें, इसको साथ में इन जिम्मेवारियों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं, ताकि इस रिश्ते में एक ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इसमें एक अच्छी शुरुआत हो सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा को चाहिए कि इसमें एक बच्चे की एनर्जी की तरह, चाहे वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, फिर भी एक दोस्ती की तरह इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ मिलकर उनको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा वो उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, और बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी कामयाब हो सकता है। इस रिश्ते से अबंडेंस आ सकती हैं, वो खुशियां मिल सकती हैं जो एक फैमिली के लिए, एक परिवार के लिए ज़रूरी होती हैं, और लग्जरी लाइफ इस ये रिश्ता जी सकता है। इस रिश्ते में लग्जरी लाइफ हो सकती है, काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी नेम और फेम, सक्सेस, सब कुछ इसमें हो सकता है। ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, ऐसा वो इसके इनके लिए महसूस कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग है लिब्रा के लिए, तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें अपने जिम्मेवारियों को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें, और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, लॉयल होता है, उसी तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और इस ताकि इस रिश्ते में आगे जाकर खुशियां मिल सके, अबंडेंस मिल सके, लग्जरी लाइफ ही इस रिश्ते में आए जिए, और हर तरह की खुशी हो, और ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो, नेम और फेम हो। तो वो उनसे क्या चाहते हैं, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं कि लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो चाहते हैं कि जो परेशानियां इस रिश्ते में आ रही है, पास्ट में आई हैं, जो बाधाएं आई हैं, उन सबको छोड़ दें, उन सबको काट दें। जो चीज़ें उनको सही नहीं लगती, उनको ख़त्म करें, और एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो इस रिश्ते में, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो, जिसमें कोई झूठ ना हो, कोई फ्रेब ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई चालबाजी ना हो, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो,
एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। जो सेपरेशन में है, जो ब्रेकअप हो चुका है, तो उनका मेल जोल हो सके और एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सके। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में रुके रहें, गिव अप ना करें, स्टैंड लेकर रखें। अगर वो स्टैंड लेते हैं और गिव अप नहीं करते, चाहे उसमें थोड़ा सा रूड बनना पड़े, कठोर बनना पड़े अपने लिए या अपनों के लिए, थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़े, सख्ताई से पेश आना पड़े, वो करें, लेकिन इस रिश्ते में गिव अप ना करें। क्योंकि अगर वो गिव अप कर देते हैं तो आगे इस रिश्ते में कुछ नहीं बचने वाला है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वो रुके रहे, ठहरे रहे, गिव अप नहीं करते, अपनों के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेकर रखते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। इस रिश्ते को वो फ्रूटफुल देखना चाहते हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के लिए वो परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि ये एक फैमिली बन सके, एक परिवार बन सके, ये रिश्ता स्टेबल हो सके, इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, एक ठहराव आ जाए, और काफ़ी खुशियाँ और काफ़ी अवर्नेंस आ जाए। तो वो काफ़ी खुशियाँ देखना चाहते हैं, काफ़ी अवर्नेंस चाहते हैं, परिवार और फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि फैमिली के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर इस रिश्ते की खुशियों को देखें, इसमें गिव अप ना करें, रुके रहें, ठहरे रहें, और जो चीज़ें सही नहीं लगती उनको ख़त्म करके एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, और एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और आगे बढ़ें। तो देखते हैं कि वो इसमें क्या एक्शन लेंगे, लिब्रा क्या एक्शन लेने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज, इसमें वो क्या एक्शन लेने वाले हैं जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के लिए होगा। एवरीथिंग इज फाइन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। जो लिब्रा के पर्सन है वो चाहते हैं कि, वो महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा को चाहिए कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जो वो लोगों को गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो उनको खुद फॉलो करने चाहिए, और वो सोच विचार करके अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी रोशनी खुद बने, अपना उजाला खुद बने, वो दूसरों के भरोसे ना रहें। क्योंकि अगर वो दूसरों के भरोसे रहे, दूसरों का वेट करते रहे, तो इसमें वो परेशान दुखी हो सकते हैं। और वो चाहते हैं कि चाहे इस किसी ने किसी को भी चोट पहुंचाई है, चाहे लिब्रा ने लिब्रा के पर्सन को चोट पहुंचाई है, या लिब्रा के पर्सन ने लिब्रा को चोट पहुंचाई है, एक दूसरे ने किसी को आघात पहुंचाया, दुख दिया है, फिर भी वो चाहते हैं कि लिब्रा को चाहिए कि वो उठें। और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो अंधेरा का, जो एक स्ट्रेस का, एंजाइटी का और धोखे का कार्ड होता है, तो वो चाहते हैं कि इस धोखे से, इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से वो बाहर निकलें, और इस अंधेरे को दूर ख़त्म करके इस रिश्ते में एक होप जो दिखाई दे रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसको एक अंधेरे के बाद जो छटना होता है, उस रोशनी को देखें, उस किरण को देखें, ताकि इस रिश्ते में एक होप बनी रहे, एक उम्मीद बनी रहे, और उठ कर चलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि इस रिश्ते में अगर वो कोशिश करते हैं, तो इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, खूबसूरती है, और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है उनका, एक दूसरे की तरफ आकर्षण है, तो वो इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत देख रहे हैं। और अगर वो उठ कर चलते हैं और एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशियाँ ला सकता है, नेम और फेम कमा सकता है। तो उनको चाहिए कि इस रिश्ते की खुशियों को देखें, आकर्षण को देखें, अट्रैक्शन को देखें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग एक उम्मीद के साथ आगे बढ़े, और अपनी जिम्मेवारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, दूसरों के भरोसे ना रहे।
तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लिब्रा के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है, लिब्रा और उनके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द स्टार, द टावर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी उनको कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उनको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक ब्रेक लें और एंजाइटी से, स्ट्रेस से, जो परेशानी में, दिक्कत में आ चुके हैं उससे बाहर निकलें। अपने आप को मेडिटेट करें, हीलिंग करें, प्रेयर करें, यूनिवर्स के हवाले अपने आप को करें। जब वो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, तभी इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी और स्ट्रेस का, और जो एक धोखे का कार्ड है, जो दिल दुखाने का कार्ड है, जो मन दुखाने का कार्ड है, जो शरीर को आघात पहुंचाने का कार्ड है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत का कार्ड है। तो वो इसमें एक, तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें जब उनको बिल्कुल ठीक लगता है। और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनको जो हो रहा है उनको होने दें, जो टूट फूट रहा है, जो ख़त्म हो रहा है उसको ख़त्म होने दें, उसको, इसको वो थोड़ा सा परेशान ना हो, दुखी ना हो, और शांत रहें, मौन रहें, शांति के साथ पीसफुली इसको हैंडल करें, इस समय को बीतने दें। और हो सकता है कि इसमें कुंडलिनी जागृत हो रही है, ग्रह नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, और इस एक दुख के पड़ाव के बाद एक खुशी एक उनकी लाइफ में आ सकती है। तो इस समय को पीसफुली वो ख़त्म होने दें, जाने दें। हो सकता है कि अभी इसको देखकर काफ़ी परेशानी, दुख, तकलीफ हो रही है, लेकिन जो हो रहा है हो सकता है आगे जाकर आपके लिए एक खुशी लेकर आए। और जब सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद, जो आपकी ख़त्म हो चुकी थी, तो अपने आप को हीलिंग दें, डीप वाली मेडिटेशन करें, अपने आप को ब्रेक दें, स्पेस दें, थोड़ा सा समय दें, जल्दबाजी ना करें, और उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, और धीरे धीरे करके आपके पास वही खुशियाँ लौट सकती हैं जो पहले हुआ करती थी। और अगर आप मेहनत करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो सितारे भी आपका इसमें साथ देने वाले हैं। कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको इस रिश्ते से लेकर मिल सकती है, या ये रिश्ता जो ब्रेकअप में जा चुका है, या सेपरेशन हो चुका है, या बातें नहीं हो रही हैं, नो कॉन्टैक्ट में, तो दोबारा से इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा उम्मीद रखनी चाहिए, और मेडिटेशन, हीलिंग, प्रेयर के बाद, स्पेस देने के बाद, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा स्पेस दें, और उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, ताकि ये जाकर रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।